खरगोन जिले के बलकवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने अवैध गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा है, जिसमें 50 गोवंश और 70 लीटर अवैध स्पीड शराब जब्त की गई है। हम आपको बता दें कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में महाराष्ट्र की ओर गोवंश से भरा ट्रक निकलने वाला है। इस दौरान खलटका के पास घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ लिया गया, जिसमें ड्राइवर क्लीनर दोनों को हिरासत में लेकर कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। ट्रक चेकिंग के दौरान पुलिस को चकमा देकर ट्रक चालक भाग रहा था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। दोनों आरोपी ड्राइवर क्लीनर मंदसौर जिले के रहने वाले हैं, जिनमें 2 लाख का गोवंश और 12,000 की स्पीड शराब सहित ट्रक जब्त किया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर, आज ये जो पशुओं की गाड़ी जो पकड़ाई है, उस घटना के बारे में क्या जानकारी? ये क्या है कि लगातार गोवंश की यहाँ तस्करी होने के कारण लगातार हमारे तरफ से निगरानी की जा रही थी। आज थाना प्रभारी महोदय को ये सूचना मिली कि एक गाड़ी के नाम में ट्रक के अंदर गोवंश भरकर उसकी को हत्या कराने के उद्देश्य से, उसको लाभ कमाने के उद्देश्य से गोवंश की तस्करी होने वाली है। और एक गाड़ी के नाम है JK08F722545। यह गाड़ी का नाम है, राजस्थान से पशुओं को भरकर महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं, जो वो तस्कर हैं। इस पर से नाकेबंदी की गई, घेराबंदी की गई और उस मुखबिर सूचना जो हमें विश्वसनीय मिली थी, उस आधार पर हमने उस गाड़ी को पकड़ा और उसके अंदर 53 गोवंश पाए गए। 2 आरोपियों को राउंड अप किया गया, पकड़ा गया, उनको गिरफ्तार किया गया और गोवंश को उनके जीवन रक्षा के लिए हमारी गौशाला के अंदर उसको छोड़ा गया है। सर, घटना में कौन कौन लोग थे? घटना में 2 लोग रंगे हाथों पकड़ाए गए हैं, एक का नाम यासीन है और दूसरे का मंजूर है। ये दोनों मंसूर के निवासी हैं और इसका एक मालिक खालिद है, उसे मिलने बनाया गया प्रकरण के अंदर। अभी प्रकरण अनुसंधान में है, विवेचना में लिया गया है और पूछताछ जारी है। सर, ये पशुओं को कहाँ से कहाँ के लिए ले जा रहे थे? पशुओं की वो तस्करी कर रहे थे ये लोग, चित्तौड़गढ़ से लेकर उसे का नाम मालेगांव तरफ ले जा रहे थे। इसी दौरान उनको पकड़ा गया है। सर, आपका पद और नाम? उपनिरीक्षक राजन सिंह बघेल, जो कि प्रभारी घंटा का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।